प्यारी और तुम्हारी थोक दिए से हमका तो भाई उल्टी हो साहेब तो बहुत हरामी है और साहेब के हाँ उल्टी नहीं भाई इतना थोक दी बच्चा सारे खपड़ी फूट गए तब हम हमारे समय है मारे ना बिरादरी के मामला हम जा रहे हैं साहब ओ साहब जाओ तुम कहाँ जा भैया अरे हम भी कहीं जा रहे हैं यार है? देखना बहुत बदतमीज है तो जाओ तो हाँ जाओ गाड़ी फट रही बनवारी भैया देखो साहब बहुत नालायक है यह घूसखोर और तुम हमार बिरादर ऐश करो हम हो जाए रहे तुम चुप पे जाओ भागे देखा जे बाद में जो कुछ वही नौकरी हमार रहा है चाहे मैं तुम्हें काम करूं का तुम गेट खोल दो अब कह दो हम ना यानी थे ना कोई सिपाही छोड़ी गए हुई हम गेट खोल ले क्या हुआ बनवारी कुछ ना कहते चोट लगे तो हमके दवाई खाओ चल यहां से बनवारी आखिर तुमने सिमुआ का खून क्यों किया हमने नहीं खून किया है नहीं तो क्या हमने क्या हमने नहीं किया गाली मत दो मुझे बहुत मारूंगा उल्टा लटका कर बहुत मारूंगा वैसे तो मैं बहुत सीधा सिपाही हूं ये तो जानते हो हाँ ये बात सही है ऐसे बात करो हम जानते बनवारी निकल गया उसकी आवाज कानों में गूंज रही है कि जो चिल्लाकर कह रहा था कि जिस दिन बाद पिंजरे से बाहर होगा ये दुनिया होगी लेकिन आप विक्रम तो नहीं होगा दुश्मन को कमजोर मत समझो तुम एक काम करो इसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा दो 50,000 हर हाल में बनवारी चाहिए जिंदा या मुर्दा जिंदगी मैं जीऊंगा सांस जब तक जिंदगी मैं जीऊंगा सांस कोई सारा जीत कर तुम मार दूंगा शेर मेरे ख्वाब से जंगल का रहना छोड़ दे छोड़ पल भर में दरिया का पानी भरना मैं इंतजार करता हूं अभी तक मुझे बदल दुनिया जो है तुम्हारा खिलाफ हो रास्ता सरदार राम दुलारे वही चल का टेढ़ा हो सरदार जी जय मानो
अच्छी कहते हो और तलिया का सऊंचाई के रहर रपड़ के नत्ते ते हम पा दें तो भाका 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 बुज्जिया नहीं कर रहे दोसरी बोली बा दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं हम खाएंगे गोश रोटी रोकने वाले पहाड़ी तुझे किसने रोका है मत डर जो कोई रोके सरदार जी ओ दोस्त प्यारे लाल ये आये दो भर में तेरे तेरे पीछे पुलिस पड़ी है और आज मैं भाई क्या देख रहा हूं ये तेरी हालत किसने बनाया तू तो एक नेक और शरीफ इंसान था और आज तेरे बता रहे पुलिस पीछे पड़ी राम दुलारे कहो मुझे माफ कर दे भाई मैं तुझसे बहुत नाराज रहा करता था जी और यही कहा करता था चोरी डाके का काम बहुत खराब होता है तू बिरादरी में बदनुमत आ गए लेकिन आज समझ में आ गया कोई डाकू बनकर पैदा नहीं होता गुजरते हुए हालात के साथ इंसान को चोर डाकू बनना पड़ता है अरे भाई मेरा तो सब कुछ लूट गया क्या भाई बनवारी लाल क्या बताऊं कि गांव के लोगों ने मुझे प्रधानी में खड़ा कर दिया और हमारी वर्मा जी के यहाँ आवागमन काम तो वही करते थे एक दिन की बात है हम उनके पैसा लेने गए मजूरी का हमें बहुत मारा क्या बहुत मारा मार कर भगा दिया आना जाना बंद हो गया उसके बाद लोग 25 साल प्रधानी करने के बाद गांव के लोग एकजुट होकर मुझे जास्ती प्रधानी में खड़ा कर दिया फिर क्या हुआ लेकिन हमें हराने के लिए वो दुश्मनों ने क्या किया क्या किया श्यामू काका को मरवा डाला क्या खूनी कातिल साबित करने के लिए हमारे पैर का जूता उनकी लाश को थमा दिया गया विक्रम इंस्पेक्टर को मिलाकर मुझे खूनी कातिल ठहराया गया अरे भाई राम दुलारे देख मेरा सर फाड़ डाला है कि घूंट पानी के लिए मैं परेशान था लेकिन विक्रम का जुर्म नहीं बन मौका पाकर मैं भाग रहा हूँ पुलिस तेरे पीछे पड़ी अब मैं तो मुझे अपने शरण में रख लो ये बात है भाई बनवारी लाल मैं भी तुम्हारी तरीके से डाकू बन गया बताओ चुकाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ तो रोग मैं भोली और इसकी सौगंध खाकर कहूँ सरदार राम दुलारे के साथ में
या उनके साथियों के साथ में कोई गद्दारी मक्का नहीं करूं। तय मां भवानी कसम मैं भवानी की है, कसम मैं गंगा के पानी की, आज मैं संकल्प करता हूं तय मां भवानी का सौगंध खा कर कहूं एक दिन सारे बदले चुकाऊंगा मैं जाके भी जिसने दिया है अरे घर पर मेरे और 20 डकैती होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे में तफर लिया है संभल जाओ। जय भवानी जय। चपरासी साहब जय। आज तक जितने भी डाकू पैदा हुए जी साहब, या क्रिमिनल या माफिया हुए जी साहब, या तो वो पुलिस की गोली से मारे गए हाँ साहब, या उन्होंने खुद पुलिस को आत्मसमर्पण किया है जी साहब, लेकिन आज पुलिस का खौफ उस डाकू शेरा के शेरा के दिल से निकल गया जी सर। पब्लिक के दिलों दिमाग में डाकू शेरा का खौफ समाया हुआ है यस सर। अमीरों की तिजोरी और गरीबों की नींद को हराम कर रखा जी साहब। नाच हुई हटाओ खेलना ही हुई, चलो साहब आराम करी चले, पानी ले लो झाड़े चले। हेलो।